तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज हम ब्रोली वर्सेस जिरेन की मांगा को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा कि ब्रोली और जिरेन की लड़ाई की वजह से काफ़ी सारे डायमेंशनल बैरियर्स टूट जाते हैं और फाइनली जिरेन को अपनी असली ताकत दिखानी पड़ती है, जिसके बाद वो अनलीश करता है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट जिरेन की पावर को। गोकू के अलावा पहली बार कोई मॉडल अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर पाया है, तो देखना यह है कि ये फाइट आगे कैसे बढ़ेगी। अगर आपको ये मांगा पसंद आ रही है तो इसके क्रिएटर को भी जरूर सपोर्ट दिखाइएगा। इस कमाल की स्टोरी के क्रिएटर हैं मोंटी ब्लैक और उनसे जुड़े लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो जाइए और उन्हें अपना सपोर्ट दिखाइए। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के शेयर जरूर कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर लगातार वीडियोज आती रहती हैं। मैं चैनल पर और भी बहुत सारी फैन मंगाज कवर कर चुका हूँ, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट के टाइम जाकर अपनी फेवरेट फैन मंगा देख सकते हैं। वहाँ पर आपको सारी की सारी फैन मांगा सीक्वेंस मिल जाएंगी, तो जाइए और इन्जॉय कीजिए। जो लोग इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं वो मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी मैं काफ़ी एक्टिव रहता हूँ और काफ़ी स्टोरी और पोस्ट डालता रहता हूँ, तो वहाँ पर भी मुझसे कनेक्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब ज़्यादा देर न करते हुए अपनी वीडियो पर आते हैं। जिरेन और ब्रोली एक बिल्कुल ही नए डायमेंशन में होते हैं और ब्रोली के सामने जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की फॉर्म में खड़ा होता है और ब्रोली बिल्कुल उससे लड़ने के लिए तैयार होता है। ब्रोली का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है और जिरेन बिल्कुल शांत खड़ा है। इसके बाद हम गोकू को देखते हैं जो कि काफ़ी हैरान लग रहा है। गोकू बोलता है कि उसने आखिर कर दिखाया, हालांकि मुझे हैरान नहीं होना चाहिए कि जिरेन ऐसा करने में कामयाब रहा। इसके बाद वीस बोलता है कि गोकू ने उसके सामने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव किया था और शायद यही जिरेन की मोटिवेशन रही होगी। गोकू दुनिया का पहला मॉडल था जिसने बहुत ही कम ट्रेनिंग के बाद भी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव कर लिया था, और शायद यही उसकी मोटिवेशन है कि गोकू जब एक मॉडल होने के बावजूद ऐसा कर सकता है तो जिरेन भी ऐसा कर सकता है। बेलमोट बोलता है कि जिरेन ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को अचीव करने के काफ़ी नज़दीक था, पर उसे सिर्फ उसे कंट्रोल करना सीखना था। बेलमोट बोलता है कि जिरेन के ऑरा में से जो खतरनाक हीट निकलती थी अब वो उसे कंट्रोल कर चुका है। हम सभी ने टूर्नामेंट ऑफ पावर में देखा था कि जिरेन के ऑरा में से कितनी ज़्यादा हीट निकलती है, और ऐसा तभी होता था जब जिरेन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था, पर अब वो उसे कंट्रोल कर चुका है। यानी कि दूसरी नज़र से देखा जाए तो ये एक तरीके से जिरेन का मास्टर अल्ट्रा इंस्टिंक्ट है। बीरस बहुत ही ज़्यादा गुस्से में जिरेन की तरफ देख रहा होता है। वो बोलता है कि ऐसा कैसे हो गया, एक और मॉडल ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मेरे से पहले अचीव कर लिया। एक जेनोसामा बोलते हैं कि ये तो काफ़ी मज़ेदार है। दूसरे जेनोसामा बोलते हैं कि देखने में काफ़ी मज़ा आएगा कि ब्रोली अब जिरेन के साथ क्या करेगा। ब्रोली का गुस्सा एक बारी फिर से बढ़ने लग जाता है और वो एक अटैक की तैयारी करता है। जैसे ही ब्रोली पावर अप करता है, उसके ऑरा में से काफ़ी सारे अटैक्स बन के जिरेन की तरफ जाते हैं, पर जिरेन अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की स्टेट में है तो उसे इस अटैक को देख के ज़रा सा भी फर्क नहीं पड़ता। ब्रोली के सारे अटैक जिरेन के बहुत ज़्यादा नज़दीक पहुँच चुके होते हैं, पर जिरेन बस अपनी जगह पर खड़ा रहता है, जिसके बाद एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि जिरेन ब्रोली के बिल्कुल सामने खड़ा है, वो सारे के सारे अटैक से बच चुका है। ब्रोली भी जिरेन की स्पीड को देख के बहुत ज़्यादा हैरान होता है और इसके बाद वो जिरेन को पकड़ने की कोशिश करता है। ब्रोली के हाथ जिरेन के सर के बहुत ज़्यादा नज़दीक होते हैं और ऐसा लगता है कि ब्रोली जिरेन के सर को कुचल देगा, पर तभी हम देखते हैं कि जिरेन उसके हाथों के बीच में से भी गायब हो गया है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन की बॉडी उसके बिना सोचे ही उसे डिफेंड कर रही है। जिरेन एक बार फिर से ब्रोली के अटैक से बच चुका है और ये देख के ब्रोली को और ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है। तभी हम देखते हैं कि जिरेन ब्रोली के पीछे पहुंच चुका है और इसके बाद हम जिरेन के हाथों को देखते हैं जो कि पूरी तरीके से खुले हुए थे, और एकदम से जिरेन अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है। और अगले ही सेकंड हम देखते हैं कि ब्रोली को ना जाने कितने सारे पंचेस लगने लग जाते हैं। इन पंचेस की वजह से ब्रोली को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, जिसके बाद वो चुपचाप खड़ा रहता है। ब्रोली अब तक समझ चुका है कि जिरेन उसके पीछे है, और इसके बाद वो जिरेन को पकड़ने के लिए पीछे की तरफ मुड़ता है, और जैसे ही वो पीछे मुड़ता है वो देखता है कि जिरेन का हाथ उसके मुंह पर है और जिरेन अपने नेक्स्ट अटैक के लिए भी बिल्कुल तैयार है। ब्रोली जिरेन की नई ताकतों से बिल्कुल हैरान है, और इसके बाद जिरेन अपना नेक्स्ट अटैक ब्रोली पे शूट कर देता है, जिसकी वजह से ब्रोली बहुत ज़्यादा पीछे पुश हो जाता है और अब ब्रोली के चेहरे पर गुस्से से ज़्यादा दर्द दिखने लग जाता है। इस वक्त लड़ाई पूरी तरीके से जिरेन के हाथों में है और जिरेन की नई ताकतों की वजह से ऐसा लग रहा होता है कि जिरेन कभी भी इस लड़ाई को ख़त्म कर सकता है। एक बार फिर से ब्रोली के डायमेंशनल बैरियर से टकराने की वजह से डायमेंशनल बैरियर फिर से टूट जाता है और जिरेन उसी तरफ देख रहा होता है, और ये सेम चीज़ ग्रैंड प्रीस्ट और बाकी सभी लोग भी देख रहे होते हैं। इसके बाद गोकू बोलता है कि लगता है जितना हम सोच रहे थे जिरेन उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहा है। इसके बाद वीस बोलता है कि ये बहुत ज़्यादा बुरा होने वाला है, स्पेशली ब्रोली के लिए। बेलमोट बोलता है कि मैं सरप्राइज नहीं हूँ, आखिर हम यहाँ पर जिरेन के बारे में बात कर रहे हैं। जिरेन ब्रोली की तरफ देखता है और डायमेंशनल बैरियर एक बार फिर से टूट चुका होता है। जिरेन बिल्कुल कामली खड़ा रहता है, जबकि उसके अटैक की वजह से उसके सामने एक बहुत ही बड़ा धमाका हुआ होता है। तभी उस धमाके के बीच में से ब्रोली बहुत तेज़ी से निकलता है और जिरेन उसी तरफ देख रहा होता है। ब्रोली की ब्रजरकर फॉर्म में उसकी ताकत लगातार बढ़ रही होती है, पर जिरेन को उससे ज़रा सा भी खतरा नहीं है, क्योंकि अब ब्रोली थोड़ा सा थका हुआ लग रहा होता है। भले ही वो अपनी शील्ड की वजह से खुद को बचाने में कामयाब रहा, पर फिर भी जिरेन के अटैक की वजह से उसे काफ़ी डैमेज पहुँचा होता है। और इसके बाद हम उसकी कमर को देखते हैं।
जहाँ से खून बह रहा होता है, जिसका मतलब यह है कि जिरेन के सबसे पहले अटैक का ब्रोली पे अभी भी फिजिकल डैमेज काफ़ी हैवी है। ब्रोली जिरेन की तरफ देख रहा होता है और उसका सांस फूल चुका होता है। जिरेन ब्रोली से बोलता है कि तुम्हें देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर सकते हो, तुम खुद को शांत रखने में अभी भी कामयाब नहीं हो पा रहे हो, तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा ताकत है पर इसके बावजूद भी तुम खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, पर मेरी एक बात याद रखना, तुम मुझे हराने में कभी भी कामयाब नहीं होगी। ये बात सुन के ब्रोली को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लग जाता है, उसका गुस्सा एक बिल्कुल ही नए लेवल पर पहुँच गया होता है। ब्रोली गुस्से में अपनी मुट्ठी को बंद करता है और वो इतने ज़ोर से अपने हाथ को दबाता है कि उसके हाथ में से खून निकलने लग जाता है। ब्रोली एक बारी फिर से खुद पर से कंट्रोल खोने लग जाता है और बहुत ज़ोर से चिल्लाता है। जिरेन अभी भी कामनी उसी की तरफ देख रहा होता है, पर इस बारी जिरेन नोटिस करता है कि ब्रोली की ताकतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। ब्रोली अपनी नई ताकतों की वजह से इवॉल्व होने लग जाता है और वो ताकत के एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुँच चुका है। जिस ऑर्ब में गोकू और बाकी सभी लोग ये लड़ाई देख रहे हैं वो भी चमकने लग जाता है, पर अचानक से ही वो और भी शांत हो जाता है, जिसका मतलब यह है कि ब्रोली का एवोल्यूशन पूरा हो चुका है। फाइनली ब्रोली की ट्रांसफॉर्मेशन पूरी होने के बाद हर तरफ से धुआं हटने लग जाता है और जिरेन अभी भी ब्रोली की तरफ ही देख रहा होता है। जिरेन की ताकतें इतनी ज़्यादा है कि ब्रोली के ट्रांसफॉर्मेशन के बाद भी उसे ज़रा सा भी फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके बाद हम ब्रोली को देखते हैं। ब्रोली के बाल एकदम से बहुत ही बड़े हो चुके होते हैं। ब्रोली सुपर सैयन 3 को अचीव कर चुका है और उसकी ताकतें भी पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, पर जिरेन ने ब्रोली के अंदर जो कमज़ोरी बताई थी वो कमज़ोरी अभी भी ब्रोली के अंदर है। उसके चेहरे पर ज़रा सी भी कामनेस नहीं आई होती है। ब्रोली के चेहरे पर अभी भी गुस्सा भरा हुआ होता है, जिसका मतलब यह है कि भले ही उसकी ताकतें बहुत ज़्यादा हो गई हों पर वो अभी भी खुद को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकता। और अगर अब ब्रोली को और ज़्यादा गुस्सा आता है तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, और यही नहीं वो हर जगह तबाही मचाना भी शुरू कर सकता है, जिसकी वजह से हर किसी की जान खतरे में पड़ सकती है। अचानक से ही ब्रोली शांत हो जाता है और उसके चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है, जिसका मतलब यह है कि उसका थोड़ा बहुत इस फॉर्म पर कंट्रोल आ चुका है। गोकू हैरानी से ब्रोली की तरफ देख रहा होता है क्योंकि गोकू ने इस फॉर्म को पहले कभी नहीं देखा। इसके बाद वीस सभी को ऐसी बात बताता है जो सुन के सब हैरान रह जाते हैं। वीस बोलता है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन में भले ही ब्रोली के पास कंट्रोल थोड़ा कम हो पर इस ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रोली की ताकतें इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी हैं कि वो एंजल्स से भी कम्पीट कर सकता है। वीस बोलता है कि गोकू इस वक्त तुम किसी के साथ भी फ्यूज़ कर सकते हो, यहाँ तक कि अगर तुम मेरे फादर ग्रैंड पिच के साथ भी फ्यूज़ करोगे तो मुझे नहीं लगता कि उस फ्यूजन में भी इतनी ताकत होगी कि ब्रोली को हरा सके। गोकू ये बात सुन के बिल्कुल हैरान रह जाता है। वो बोलता है कि क्या ग्रैंड पिच भी इस वक्त ब्रोली को नहीं हरा सकते। ब्रोली एक बार फिर से गुस्से में जिरेन की तरफ देखने लग जाता है और इसके बाद वो ज़मीन पर उतरता है। अब जिरेन और ब्रोली एक बारी फिर से आमने सामने हैं और उनकी फाइट का एक बिल्कुल ही नया लेवल शुरू होने वाला है। इस बार भी जिरेन बिल्कुल भी इंप्रेस नहीं लग रहा होता और एक बारी फिर से ब्रोली जिरेन पर हमला करना शुरू कर देता है, पर इस बारी फ़र्क यह है कि ब्रोली पिछली बारी के मुकाबले थोड़ा शांत है और उसकी ताकतें भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। देखना यह है कि ब्रोली अब जिरेन के सामने क्या कर पाएगा। क्या अब ब्रोली अपनी नई ताकतों के साथ जिरेन को हरा पाएगा या जिरेन अभी भी उसे ओवरपावर कर सकता है, ये हम जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों आज का ये वीडियो यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे नीचे कमेंट करके ये भी बताइएगा कि आपका इस मांगा के बारे में क्या ख्याल है, क्या आपको इस मांगा के बारे में अच्छा लगा और क्या चीज़ आपको बुरी लगी, और मैं आपके कमेंट्स क्रिएटर तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करूँगा। आज की वीडियो के लिए दोस्तों बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।